अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में साथ खैरियत के रखे। और आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ इस वक्त बहुत मज़ेदार रेसिपी पकोड़ों की। वैसे तो सबको ही आते हैं पकोड़े बनाने, लेकिन मेरे स्टाइल में और मेरी तरीके के मुताबिक अगर आप लोग बनाएंगे तो इंशाल्लाह इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत आपको इंस्पायर करेगा। तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो यहाँ मैं रेसिपी अपनी स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने बेसन लिया हुआ है, तकरीबन मेरा ये एक पाव से ऊपर है, लेकिन आधा किलो से थोड़ा सा कम है, एक पाव से ऊपर है। तो यहाँ मैं सबसे पहले कुछ चीज़ें ऐड करूँगी, साथ साथ आपको दिखाती जाऊँगी, उसके बाद मैं इसको मैरिनेट करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे नमक है, एक चम्मच के करीब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, एक या डेढ़ चम्मच आप लोग ले लीजिएगा अपने जायके के मुताबिक। और यहाँ पे मैं कुटी मिर्चें ले रही हूँ, दो टीस्पून ये है कुटी मिर्चें ना मेरे पास, और पिसी मिर्चें यहाँ पे मैं ले रही हूँ, एक टीस्पून ले रही हूँ मैं यहाँ पे लेवल करके। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ खाने का सोडा, ये मैं दो पिंचेस ले रही हूँ ना इसके, खाने के सोडा के। दो या दो से थोड़ा सा ज़्यादा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी, मैंने यहाँ पे देखिए ये मैंने प्याज काट के रखी है थोड़ी मोटी, उसमें ना मोटी मोटी सी थोड़ी सी प्याज काट के रखी है। ये पकोड़ों में इस तरह की कटी हुई प्याज बहुत अच्छी लगती है और इसका फ्लेवर भी इन्हेंस कर रही है। लेकिन ये अभी मैं नहीं डालूँगी, इसके साथ साथ पहले मैं आपके सामने हरी मिर्ची, हरा धनिया और पुदीना इसमें डालूँगी जो मैंने इस वक्त धो के रखा हुआ है यहाँ पर। तो ये हम साथ में डालेंगे इसके। हरे धनिए की मैंने डंडियां रिमूव कर दी हैं, जो नहीं की हैं थोड़ी बहुत वो मैं निकाल रही हूँ उसका। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करेंगे। यहाँ पे मैं साथ साथ आपको बताती चलूँ कि मैंने हल्की से थोड़ा सा ज़्यादा आंच पे यहाँ तेल अपना गर्म होने के लिए रख दिया है। अच्छा, हरी मिर्चें मैं बहुत ही छोटी छोटी सी काटूंगी, छोटे छोटे स्टाइल में, देखिए। थोड़ी सी ऐड करेंगे क्योंकि बच्चे अमूमन पसंद नहीं करते एकदम मिर्चें आती हैं पकोड़ों में, तो कम ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, आप अपने जायके के मुताबिक इसमें ऐड कर लीजिए। थोड़ा सा पुदीना मैं और लूँगी। थोड़ा सा पुदीना मैं इसमें और ऐड करूँगी और फिर हम इस सारे मिक्सचर को मैरिनेट करेंगे। और लास्ट में मैं इसमें ये प्याज भी ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं ये सारे मसाले हाथ से ही थोड़ा थोड़ा पानी मिला के मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तेल मैंने गरम पे रख दिया है और मेरा तेल इस वक्त
गरम हो चुका है, थोड़ा और पानी हम ऐड करेंगे। अच्छा, मेरा ये बेसन बहुत अच्छे तरीके से मैं फेंट चुकी हूँ। अच्छा, इसकी कंटेंसिटी जो देख लीजिए, कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा कि इस फॉर्म में है ये, ना बहुत ज़्यादा ये पतला है और ना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। तो अब इस फॉर्म में मैं इसको फ्राई करूँगी। तेल मेरा ऑलरेडी गर्म पे रखा हुआ है, तो मैं इसको तलना स्टार्ट करती हूँ। जी, तो तेल मेरा यहाँ पे गरम हो चुका है, तो यहाँ पे मैं बनाना इसको स्टार्ट कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हाथ से इसको फ्राई करूँगी, बहुत अच्छा रहता है और लज्जत तो आती है और साथ साथ इसके और कन्वीनियंट रहता है मेरे लिए बहुत। मोस्टली मैं हर चीज़ हाथ से करना पसंद करती हूँ। इस तरह मैं डालती जा रही हूँ हाथ में लेके ये। अब छोटे बड़े जिस तरह के भी साइजेस में आप इसको डाल सकते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई होने देंगे, फिर हम इसके साइड चेंज करेंगे। जी, तो यहाँ पे मेरे 5 मिनट हो चुके हैं और मैं पकौड़ों की साइड चेंज कर रही हूँ ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे तरीके से पक जाए। इसके साथ मैं एक हरी चटनी भी तैयार करती हूँ। इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी आपको कमिंग्स वीडियो में मैंने रखा हुआ है कि मैं इंशाल्लाह आपको शूट करके यहाँ पे अपलोड करूँगी। तो इसके साथ वो हरी चटनी बहुत मज़े की लगती है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है उस चटनी का। तो आप लोग भी ज़रूर मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। जी, तो यहाँ पे हमारे पकोड़े फ्राई हो रहे हैं और ये अंदर से इंशाल्लाह इस वक्त पूरे तरीके से पक चुके होंगे। मैं मज़ीद इस पर कलर लाने के लिए, इसको रेसिपी बनाने के लिए और इस पर कलर के गोल्डन हमारा कलर आ जाए, थोड़ी सी आंच मैंने तेज़ कर दी है। इसको हम फिर डिश आउट कर लेंगे। अब ये तकरीबन हमारे गोल्डन कलर में अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं पकोड़े। मैंने यहाँ पे इसकी आंच हल्की कर दी है और दूसरे मैं बाद में डालूँगी, पहले मैं निकाल के आपको दिखा दूँ और टेस्ट करके भी आपको बताऊँगी कि कैसा फ्लेवर है। तेल अच्छी तरीके से इसमें निकाल लीजिएगा। आज मैंने अपनी कढ़ाई की हल्की कर ली है। जी, तो मैं इसके साथ थोड़ी सी ग्रीन चटनी ले रही हूँ और खा के आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि किस तरह का इसका फ्लेवर आया है। माशाल्लाह बहुत अच्छे मज़ेदार।